नमस्कार। जब भी हम वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो हमें लगता है इनका सिद्धांत भी बहुत डिफिकल्ट है। बहुत ही अच्छा इन्होंने सिद्धांत दिया। अगर इन बात करें किस फील्ड में इन्होंने काम किया, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के फील्ड में इन्होंने काम किया। इनके सिद्धांत के नाम पूछे जाए तो सांस्कृतिक ऐतिहासिक सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है वाइगोत्स्की के द्वारा। तो इन्होंने विकास पे जो दिया कॉन्सेप्ट, वो आप तीन भागों में बांटे। एक तो आपका क्या है, वास्तविक विकास क्षेत्र, दूसरा क्या है संपूर्ण विकास क्षेत्र, और तीसरा क्या है संभावित विकास क्षेत्र। तो ये कुछ चीजें बच्चा स्वयं से कर सकता है। जैसे जन्म लिया तो क्या आप उसको सांस लेना सिखाते हैं? नहीं, वो क्या करता है, सांस लेता है। उसकी जेनेटिक, ये आपकी कैपेबिलिटी होती है, आप याद रखिएगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सांस लेना शुरू कर देता है। ठीक है, भूख लगती है तो रोना शुरू कर देता है। मूल प्रवृत्तियां, तो कुछ चीज़ें क्या होती है बच्चा कैन डू विदाउट हेल्प, मतलब अपने से कर सकता है। वास्तविक विकास क्षेत्र को बालक स्वयं से क्या कर सकता है, आपका प्राप्त कर सकता है। और बाकी जितने आपके विकास के क्षेत्र, नैतिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या हर चीज बालक खुद से पा सकता है? नहीं, कोई न कोई पक्ष उसका अधूरा रह सकता है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो कांट डू, जो वास्तविक है उसको कैन डू कर सकते हैं, और जो बाकी हैं उसको कहेंगे कांट डू। लेकिन कुछ आपकी ऐसे चीजें होती हैं जिनको, जैसे एक बाउंड्री है उसको खींच के बढ़ाया जा सकता है, उसे कहते हैं संभावित विकास क्षेत्र। वो कैसे होगा, किसी बड़े के निर्देशन में या किसी के साथ पीयर कोलैबोरेशन में, मतलब जो सहयोगी सहयोगात्मक शिक्षा होती है उसके द्वारा आप क्या करते हैं, उसका विकास क्षेत्र संभावित रूप से बढ़ा सकते हैं। यही क्षेत्र आपका ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। अगर आपको मैथ आती ही होगी, देखिए अगर आपको नी आपको देखना है कि कितना संभावित आप विकास क्षेत्र कर सकते हैं। देखिए अगर टोटल में से आप विकास क्षेत्र घटा दें तो आपका ZPD आ जाएगा ना, अर्थात संपूर्ण विकास में से जब वास्तविक विकास क्षेत्र घटा देंगे तो क्या होगा, आपका संभावित विकास क्षेत्र पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप जानते रहिए कि ये जो सिद्धांत है ZPD का, इसका यही कहना है कि किसी की सहायता से जो आपसे ज्यादा क्षमता रखता हो, एक टर्म दिया उन्होंने MKO, द मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपसे हायर एबिलिटी रखता हो उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपने संभावित विकास क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। अगर उसका आपको सहयोग नहीं मिला तो हो सकता है ये आपके वास्तविक क्षेत्र में ही सिमट के रह जाए। हो सकता है बहुत अच्छा आपको निर्देशन मिल गया, कोलेबोरेशन मिल गया, तो बहुत ज़्यादा ZPD आपका हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा संभावित विकास हो जाएगा। ये आपको सर्वांगीण विकास की ओर उन्मुख करने के लिए प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन होता है, जो आप किसी ज़्यादा क्षमता वाले इंसान की सहायता से प्राप्त करते हैं। अब बात कर रहे हैं कि वाइगोत्स्की ने कैसे कहा कि बच्चा सीखता कैसा है। तो पहले तो उनका सहयोग से, पीयर कोलैबोरेशन जो आपका होता है उससे सीखता है। दूसरा इन्होंने कहा, जो अंतरीकरण का सिद्धांत दिया उसमें कहा कि अवलोकन करता है और उसको अपने भीतर आत्मसात करता है। जब बच्चा सीखता है तो पहले क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है और उसको अपने में क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, असिमिलेशन होता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, वो आत्मसातीकरण होता है, उससे बच्चा सीखता है। अगर अंतरीकरण का सिद्धांत के बारे में पूछे तो अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करना ही अंतरीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, अगर बात करें कि वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा सीखता कैसा है, तो विकास और अधिगम उन्होंने यही बताया कि ZPD और MKO दो टर्म इन्होंने दिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और मोर नॉलेजेबल अदर। ये आपको बताया ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, जो किसी की सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं, कैन डू विथ हेल्प, वो क्या होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और MKO कौन है, आपसे ज़्यादा हायर एबिलिटी रखता हो, भले आपसे छोटा हो लेकिन क्रिकेट खेलना उसको आता है, आपको नहीं आता, तो वो आपको सिखा सकता है। तो ये कौन है, ये मोर नॉलेजेबल अदर है। और भाषा और चिंतन में इन्होंने क्या कहा कि दोनों स्वतंत्र हैं। ठीक है, अगर पूरा इनका ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा इनका कॉन्सेप्ट है अधिगम का, और कुछ चीज़ें इनकी पियाजे से कोलैप्स भी करती हैं और कुछ उनके विपरीत भी हैं। ठीक है, तो आप जानते रहिए कि घबराइएगा मत, जब भी आपको वाइगोत्स्की का कोई भी सिद्धांत पूछे तो पहले आप उनके मूलभूत बातों को याद करिएगा, तभी आप ऑप्शन टिक करिएगा।